हे फ्रेंड्स, राजेश शेरदु। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये है गूगल पिक्सल 7, जिसको हमने रिसेंटली फ्लिपकार्ट पे प्री ऑर्डर किया था और कल हमारे पास जो है डिवाइस जो है रिसीव हो चुका था। तो आज का जो वीडियो है इसके फर्स्ट इंप्रेशन का है और साथ ही साथ हम इसके बेंचमार्क फीचर्स चेक करेंगे और साथ ही साथ हम कैमरे के जो नए फीचर्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल की सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ये हमारा एक फर्स्ट इंप्रेशन है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स भी इसमें शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का बॉक्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक नॉर्मल सी पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है। और फाइनली जो कलर हमने परचेज किया है वो है व्हाइट कलर में, जो कुछ इस तरह का कलर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। जो आपको जो कलर कोड नहीं मिलता है वो स्नो वेरियंट के नाम से ये फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा कुछ जो है आपको बॉक्स के अंदर कुछ देखने को नहीं मिलता है, कोई चार्जर वगैरह आपको जो है बॉक्स के अंदर प्रोवाइड नहीं किया गया है। आपको सिर्फ जो है यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी जो है केबल यहाँ पे प्रोवाइड की है और साथ ही साथ आपको जो है ओटीजी पी एडाप्टर जो होता है वो आपके फ़ोन के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ऑलरेडी जो है हम फोन को सेटअप कर चुके हैं, तो अब हम कुछ फ़ोन के फीचर्स और इसके फर्स्ट लुक हम चेकआउट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो कलर परचेज किया है वो व्हाइट कलर में है, काफ़ी अट्रैक्टिव से कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट इस टाइम अगर आप देखेंगे जो लास्ट के जो प्रीवियस वर्जन थे पिक्सल 6 एंड पिक्सल 6 प्रो के, उसमें जो है आपको जो कैमरे की जो फ्रेम होती थी वो आपको अलग बॉडी में देखने को मिलती थी, बट अब जो है आपको एक मेटल की फ्रेम यहाँ पे दी गई है। बाकी जो बैक पैनल है वो पूरा का पूरा जो है आपको ग्लास में ही यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन जो आपके साइड पैनल है वो भी आपको जो है मेटल फ्रेम में यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि आपको मैट फिनिश के साथ आपको देखने को इसका मिल जाते हैं। इवन लुक्स वाइज कंपेयर करें तो आप देख पा रहे होंगे जो राइट साइड पे है वो हमारे पास पिक्सल 6a फोन है, लुक्स जो है थोड़ा बहुत जो है आपको एक जैसे देखने को मिलता है। बट दोनों फोन में ये अंतर है कि आपको इसके अंदर जो कैमरे की फ्रेम है वो मेटल में दी गई है, बट इसके अंदर जो है आपको ग्लास में ही देखने को मिलती है, जिसमें प्रॉब्लम ये होती थी कई बार जो है फोन गिरने पर आपकी कैमरे की जो फ्रेम थी वो ब्रेक हो जाती है। बट इस टाइम पे जो है गूगल पिक्सल 7 की सीरीज में इसको मेटल की फ्रेम में दिया है, जो कि काफी अपीलिंग सा लुक आपको इस टाइम पे इस कलर के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरह का लुक जो है आपको लॉक स्क्रीन का यहाँ पे देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, आपको जो है एंड्रॉइड 13 के साथ ही देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह का UI जो है यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर एनिमेशन की बात की जाए तो मैं एनिमेशन दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरह की एनिमेशन जो है आपको एंड्रॉइड 13 के आपको पिक्सल 7 फोन में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इस तरीके का आपको रीसेंट ड्रॉ जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर फिंगरप्रिंट एनिमेशन की बात करें मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फिंगरप्रिंट जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, कोई ज्यादा आपको डिले या आपको स्लो इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। नहीं तो प्रीवियस कुछ बिल्ड थे उनके अंदर फिंगरप्रिंट का कहीं ना कहीं आपको इशू जरूर देखने को मिलता था गूगल पिक्सल 6 सीरीज के अंदर, बट पिक्सल 7 के अंदर जो है ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इवन जो है पिक्सल 7 के अंदर जो आपको फेस अनलॉक भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि इस टाइम पे ठीक टाइम से काम कर रहा है। अगर कुछ और चीज़ों की बात की जाए तो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा इस फोन के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को जानते हैं कि पिक्सल 7 जो है आपको जो है 90 हर्ट्ज के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलता है, जिसको आप डिस्प्ले में जाके स्मूथ डिस्प्ले में जाके आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं, जिसमें आप 60-90 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट आप इसके अंदर अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए जो प्रीवियस बिल्ड था 6a, उसमें आपको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों ही फोन जो है साइड बाई साइड आपको देखने को मिल रहे हैं और आपको कुछ इस तरीके के एनिमेशन जो है और स्मूथनेस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हमारा जो पिक्सल 7 है वो 90 हर्ट्ज पे काम कर रहा है और जो पिक्सल 6a है वो आपको 60 हर्ट्ज के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर है वो पिक्सल 6a है और जो नीचे आप फोन देख पा रहे हैं वो है पिक्सल 7। मुझे जो है पिक्सल 7 की जो है ब्राइटनेस जो है काफ़ी अच्छे लगे हैं, डिस्प्ले कलर जो है काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं और काफ़ी अच्छे डिस्प्ले जो है आपको देखने को मिलता है। जो दोनों ही वीडियो आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे दोनों ही वीडियो जो है हमने 4K के ऊपर प्ले किए हैं और कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आपको साइड बाय साइड आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो ऊपर वाला फोन है वो है पिक्सल 6a और जो नीचे जो हम फोन यूज़ कर रहे हैं वो है पिक्सल 7। ओवरऑल दिखा जाए तो डिस्प्ले जो है मुझे पिक्सल 7 का जो है मच बेटर देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू पिक्सल 6 से। अब एक साउंड टेस्ट भी हम कर लेते हैं और चेक करते हैं किस तरीके का साउंड आउटपुट जो है आपको पिक्सल 7 में देखने को मिलता है। तो अब एक बार जो है हम साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। मैं जो वॉल्यूम जो है फुल मोड पे कर देता हूँ, तो ये देखिए वॉल्यूम जो है फुल हम कर देते हैं और उसके बाद हम इस सॉन्ग को प्ले करते हैं। आप थोड़ा सा सुनिएगा, आपको पता चलेगा साउंड क्वालिटी जो आपको किस तरीके की यहाँ पे इस फोन में देखने को मिलती है। तो
आपने देखा कुछ इस तरीके के साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। साउंड क्वालिटी जो है ज़रूर काफ़ी लाउड है, काफ़ी अच्छे स्पीकर से आपको इस फोन के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी इस फोन में यहाँ पे देखने को मिली है। अब चलते हैं मेन हाइलाइटेड फीचर के ऊपर जो कि है आपको इसके कैमरे के अंदर देखने को मिलता है। तो कैमरा जो है आपको पिक्सल 7 सीरीज में जो है फुली अपडेटेड और कुछ काफ़ी सारे नए फीचर्स के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिला है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब आपको जो है यहाँ पे एक सिनेमेटिक मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें जो है आप वीडियोस को जो है एज ए ब्लर मोड पे यहाँ पे शूट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप शूट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो है आप एक बार फोकस करेंगे और उसके बाद जो है वीडियोज़ को आप शूट कर पाएंगे। देखिए मैं इस पर फोकस करता हूँ एक बार और उसके बाद हम सिनेमेटिक मोड यूज़ करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से रहता है। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको ब्लर मोड आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा और बाकी जो है कुछ इस तरीके से जो है ये सिनेमेटिक मोड जो है आपको यहाँ पे काम करते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको वीडियो में यहाँ पे इतना अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिल रहा होगा, बट ओवरऑल जो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, काफ़ी अच्छा जो है आपको ये फीचर यहाँ पे गूगल ने प्रोवाइड किया है। बट अगर सिनेमेटिक ब्लर की बात की जाए तो जो है सिर्फ आप इसके अंदर जो है 1080p पे ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको 4K का ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप वीडियो मोड पर जाएं तो वीडियो मोड में अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आप इसके अंदर जो है 1080p पे 30p और 60fps पे आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं। इवन आप जो है 4K में भी 30 और 60fps पे आप यहाँ पे शूट कर पाते हैं। अगर हम 1080HDR की बात करें तो आप जो है 4K के अंदर जो है 30fps में इसको शूट कर पाते हैं, बट आप 60fps में जो है आप इसमें शूट नहीं कर पाते हैं 10bit के अंदर, क्योंकि 10bit के अंदर जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। मोड जैसे कि आपको मेंशन किया है, मोर ट्रू टू लाइफ विद वाइडर रेंज ऑफ कलर्स, तो 4K के अंदर जो है आप जो है सिर्फ जो है 10bit HDR जो है आप 30fps पे यूज़ कर पाएंगे और 1080p पे आप 30fps और जो है 60fps पे भी आप इसमें यूज़ करना चाहें तो 60fps पे भी, तो 60fps पे भी आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आप जो है इसको 30fps पे ही आप इसमें 10bit HDR मोड जो है आप यूज़ कर पाते हैं। बाकी आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कैमरा मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इवन जो है पोर्ट्रेट मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको मोशन मोड मिल जाता है जिसमें लॉन्ग एक्सपोजर या एक्शन पैन आप ले सकते हैं, नाइट साइड का आपको मोड मिल जाता है। सारे के सारे चीज़ों को आप यहाँ पे जाके चेकआउट भी करते हैं किस तरीके से काम करेंगे, जैसे लॉन्ग एक्सपोजर मोड किस तरीके से काम करता है, एक्शन पैन किस तरीके से काम करता है, सभी के सभी डेमो जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। इवन आप जो है कैमरा के अंदर भी जाएंगे और वीडियो के अंदर भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड, लॉक्ड, एक्टिव और सिनेमेटिक पैन के भी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट फीचर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को पता है गूगल 7 का जो इवेंट हुआ था तो उसमें उन्होंने एक अनब्लर बैकग्राउंड का एक आपको फीचर जो है इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो है आप किसी भी पुरानी इमेज को जो है जिसमें आपको थोड़ा लगता है कि आपके फेस पे ब्लर है या थोड़ी सी फेस जो है आपको थोड़ा सा ठीक तरीके से फोटो में कैप्चर नहीं हुआ है तो उसको आप जो है अब अपने फ़ोन के थ्रू जो है फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्लर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें मेंशन किया है ब्लर बैकग्राउंड है, आप एडिट के ऊपर जैसे ही जाते हैं एडिट के ऊपर आपको यहाँ पे अनब्लर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देखिए जैसे हम अनब्लर करेंगे उसके बाद जो है कैम जो AI है वो सारी की सारी चीज़ों को फिक्स करेगा और जो ब्लर मोड है उसको यहाँ से रिमूव कर लेगा। तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है अभी आपको जो ओरिजिनल जो लेटेस्ट पिक्चर है जिसमें आपको ब्लर मोड जो है हटा दिया गया है, अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की आपको ओरिजिनल पिक्चर देखने को मिली जिसमें फेस के ऊपर काफ़ी ब्लर था और यहाँ पे देखिए ब्लर जो है काफ़ी मोस्टली जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये लेटेस्ट पिक्चर है, तो ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीके के रिजल्ट जो है अब आपको इस नए फीचर के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी पिक्सल 7 के फीचर्स के ऊपर जो है जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसके कुछ बेंचमार्क रिजल्ट्स और CPU थ्रॉटलिंग रिजल्ट्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, तो सबसे पहले जो है मैं आपको CPU थ्रॉटलिंग रिजल्ट्स जो है वो आपको चेकआउट करवा देता हूं। तो जैसा कि अभी आपने वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके के आपको जो है CPU थ्रॉटलिंग रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं मैक्स परफॉर्मेंस क्या रही है उसकी और मिनिमम और एवरेज परफॉर्मेंस आपको क्या देखने को मिलती है पिक्सल 7 फोन पे जो कि एंड्रॉइड 13 के ऊपर इस टाइम पे रन कर रहा है। अब एक बार जो है मैं आपको इसका गीक बेंच स्कोर है वो भी आपके सामने शो कर देता हूँ। तो हमने इसके अंदर जो है गीक बेंच एप्लीकेशन के थ्रू जो था इसमें CPU जो बेंचमार्क टेस्ट है उसको रन किया था तो सिंगल कोर पे आपको 1045 के आसपास यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और मल्टी कोर पे आपको 3203 के आसपास जो है यहाँ पे स्कोर्स देखने को मिले हैं। मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि इस बजट में जो है आपको जो है कैमरा काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी अच्छी जो है इमेजेस जो है आपको यहाँ पे निकल के आती हैं फ़ोन के थ्रू, क्योंकि गूगल कैमरा जो है हमेशा से ही फेमस है अपने कैमरास के लिए, फोटोज़ के लिए। तो कैमरास में अगर बात की जाए तो कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी फोटोज़ आपको निकल के आती हैं। इन सभी फोटोज़ का जो है लिंक मैं आपको गूगल ड्राइव का प्रोवाइड कर दूँगा जहाँ से आप फुल क्वालिटी में इन पिक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी जो है आपको यहाँ पे कैमरे के थ्रू यहाँ पे देखने को मिली है। तो इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप जो है उस गूगल ड्राइव को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये नाइट साइड पर हमने फोटो को कैप्चर किया तो कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे और भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके की पिक्चर जो है गूगल कैमरा जो है पिक्सल 7 में कैप्चर करता है।
तो बस आज का ये वीडियो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन के था कि Google Pixel 7 जो है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिली है और किस तरीके का लुक जो है आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।